हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 रुपये के अंदर आपको 10,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर अंदर आपको एक स्मार्ट LED मिलने वाली है। तो वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या उसका क्या नाम है और कौन सी LED है। तो दोस्तों, इसका नाम है कोका और ये 80 सेमी यानी 32 इंची का HD रेडी LED स्मार्ट TV है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक LED है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये इसके अंदर सपोर्टेड ऐप हैं, वो यूट्यूब को ये सपोर्ट करती है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है और HD डिस्प्ले के अंदर है। दोस्तों, इसका साउंड सिस्टम जो है वो थोड़ा सा एक बार के लिए थोड़ा मतलब डाउन है। स्पीकर हैं जो वो 20 वाट के हैं, अगर 24 वाट के होते तो और भी अच्छे होते। और रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ज के, अगर 90 हर्ज की होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर 60 हर्ज बहुत अच्छी है। और दोस्तों, अगर आप इस LED को बाय करते हैं फ्लिपकार्ट या कहीं से भी मंगाते हैं, तो दोस्तों आपको इसके बॉक्स के अंदर मिलता है एक LED TV और एक वॉल माउंट, एक रिमोट, दो रिमोट की बैटरी यानी कि सेल मिलते हैं, बेस स्टैंड इंस्टॉलेशन, दो बेस स्टैंड, ऐसे ऐसे आपको एक वो जो मिलती है गाइड की जो किताब होती है, यूज़र मैनुअल वो मिलता है और एक वारंटी कार्ड मिलता है। और दोस्तों, इसका मॉडल नाम है 32S3U Pro और इस डिस्प्ले का जो साइज़ है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि 80 सेमी यानी कि 32 इंच है। ये 32 इंची LED TV है, स्क्रीन टाइप है LED। तो दोस्तों, ये एक स्मार्ट TV है जो मोबाइल से कनेक्ट होता है और इसका वाईफाई टाइप है वो है सिंगल बैंड 2.4 GHz। तो दोस्तों, और इसके अंदर HDMI के दो पोर्ट हैं, एक USB का पोर्ट दिया हुआ है और इसको लॉन्च किया गया है 2021 में। तो दोस्तों, ये अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ही अच्छा TV है। और इसके वीडियो फीचर हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका ब्राइटनेस है वो 400 निट्स है और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। और इसका ये रिफ्रेश रेट, ये इसका तो हमने ऊपर बात कर ली थी। और दोस्तों, अगर इसके अंदर स्मार्ट TV फीचर्स की बात करें तो इसका प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है और इसके ग्राफिक प्रोसेसर है वो Mali G31 का है और रैम कैपेसिटी है 512 MB और स्टोरेज मेमोरी 4 GB। लेकिन दोस्तों, ये इनफिनिक्स जो ऐप आता है उसको सपोर्ट नहीं करता है, ये यूट्यूब को सपोर्ट करता है। और जैसे कि कई जो ऐप होते हैं जिनको हम प्रीमियर ऐप होते हैं, डेनी हॉटस्टार, उनको ये सपोर्ट नहीं करता है। और दोस्तों, इसके अंदर ये एक सिंपली एक यूट्यूब को ही सपोर्ट करता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुलिटा का है, स्क्रीन मिररिंग भी होती है इसमें। और दोस्तों, ये इसके अंदर देखिए ये कनेक्टिविटी फीचर है, HDMI के दो साइड हैं, USB का एक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा TV है। और इसकी पावर रिक्वायरमेंट है वो है AC 100 वाट से 240 वाट लेता है और पावर के 60 वाट हैं इसके। तो और दोस्तों, इस TV का वेट है 3.2 kg। तो दोस्तों, ये मतलब कि 3.5 kg के लगभग इसका वेट आता है और इसमें 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों, एक अगर और बात करें तो ये मेड इन इंडिया है, मतलब कि इसका निर्माण इंडिया में ही हुआ है। और अगर हम इसकी रेटिंग देखें तो अगर रेटिंग की और बात करें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है
वह है 4.0 रेटिंग है इसको, मतलब रेटिंग के अंदर 4 स्टार मिले हुए हैं, और साउंड क्वालिटी जो है उसके अंदर इसको 4.1 स्टार मिले हुए हैं, और कनेक्टिविटी जो है उसका थोड़ा स्टार, मतलब इसका लेवल थोड़ा कम है, 3.7 स्टार मिले हुए हैं, और डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन का है उसको, उसका 4.1 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा LED स्मार्ट TV है, तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में, इस TV के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।